आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि कोई चांद रख की आगे से कैसी एपिसोड्स आएंगी और ड्रामे का एंड क्या होगा। इतना इंटरेस्टिंग इसका एंड है और इतनी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है कि लिटरली आज मैं आप लोगों को एक ऐसे रोलर कोस्टर पे बिठाने वाला हूं जिसमें बैठ के आपको काफी लगेंगे झटके। तो ऐसे में अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें और खास तौर पे चाय बिस्किट जरूर पकड़ के बैठिएगा। उसकी रीजन ये है कि वीडियो हो सकती है यहां पर थोड़ी सी लंबी, लेकिन लिटरली आपको एक एक पॉइंट सुनने का बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन एक चीज आप लोग मेरे से जरूर प्रॉमिस करो, वो ये कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो भैया जल्दी से दबा दें आप सब्सक्राइब का बटन यहां पे, कर दें चैनल को सब्सक्राइब, या अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो जिस पॉइंट में आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा वहां पे जरूर दबा दीजिएगा। लेकिन एक चीज का आपने जरूर ख्याल रखना है, अगर आपने पहले से दबा रखा है तो बिल्कुल भी ना दबाइएगा, ऐसे में हो सकता है यहां पर हो जाए अनसब्सक्राइब, तो इसलिए इस चीज का काफी ख्याल रखना है। हाय फ्रेंड्स, रुमाली में आज हम बात करेंगे किसी भी एपिसोड के बारे में नहीं, यहां पर मैं आप लोगों को कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूं, आप लोगों को यह क्लियर करने वाला हूं कि स्टोरी आगे से कैसे चलेगी। तो फिर वीडियो कर दें जल्दी से लाइक, क्योंकि आज का जो टारगेट है वो है 3000। तो भैया इस टारगेट को आपने लाजमी अचीव करना है, क्योंकि वीडियो का आपको मजा ही काफी आने वाला है। तो फिर वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भैया सबसे पहली बात, वही बात जो आपको पिछले रिव्यू मैंने बताई थी कि यहां पर लेटर्स को बेस बनाया जाएगा एक बहुत ही बड़ा सबूत पेश करके। ये बड़ी लॉजिकल सी बात है कि ऐसे में लेटर तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन चलो हम स्किप करते हैं इस पॉइंट को कि यहां पर होगा अब आगे से क्या होना। कुछ इस तरीके से कि सारे लेटर्स का जो पलंदा है ये लेके जाएगा यहां पर जैन राबेल के सामने। अब यहां पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो राबेल पहले बोलेगी या बोलेगा पहले जैन। अगर राबेल पहले बोलेगी तो राबेल उसको ये कहेगी कि मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहती हूं। यहां पर जब जैन उससे पूछेगा कि क्या तुम खुशखबरी देना चाहती हो, तो वो आगे से बड़ा खुश होकर कहेगी कि मैं मां बनने वाली हूं। जब वो ये बात करेगी तो उसी लम्हे सारे के सारे लेटर दे के मारेगा उसके मुंह के ऊपर और वो कहेगा कि हां मुझे पता है कि तुम क्यों मां बनने वाली हो, यहां पर तुम किस तरह की इश्क मशूकियां करती रही हो, ये सारे सबूत मुझे मिल गए हैं। राबेल आगे से कहेगी कि आप क्या बोल रहे हैं, तो आगे से बहुत ही आग बगोला होकर बोलेगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि दूर रहो उससे, मुझे वो एक आंख नहीं बाता, और शादी के बाद भी तुम ये सब कुछ बंद नहीं कर सकी, और ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये तुम्हारे और उमेर के रिलेशन की वजह से हो रहा है, और यहां पर मुझे ये बात क्लियर हो गई है कि तुम्हारा उसके साथ बहुत ही गहरा रिलेशन था। वो उसके ऊपर लगेगा काफी बड़ा इल्जाम कि यहां पर जो उसके पेट में बच्चा है ये एक्चुअली उसका बच्चा नहीं है। आगे आप सारी बात समझ गए कि मतलब वो सारा कसूरवार ठहरा देगा उसके और उमेर के रिलेशन को। अब देखो लड़की यहां पर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन कभी भी कोई शख्स अगर उसके करेक्टर के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा तो यह चीज दुनिया की कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करती। तो यही चीज आपको देखने को मिलेगी अगले एपिसोड में। राबेल बिल्कुल भी ये बियर नहीं कर पाएगी कि इतना बड़ा इल्जाम ज़ैन कैसे उसके ऊपर लगा सकता है, जिसकी वजह से आगे से आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर राबेल भी हो सकता है कि थोड़ा सा गुस्से से उससे बोले। ऐसे में वहां पर सारे घर के लोग इकट्ठे हो जाए और सबके सामने वहां पर ज़ैन राबेल को तलाक दे दे। ज़ैन निशाल को फोन करेगा कि मैंने दे दी उसको तलाक, अपनी जिंदगी से निकाल दी, अब तुम भी अपनी बात के ऊपर कायम रहो, छोड़ दो अपने घर को और चलते हैं कहीं बाहर और जाके कर लेते हैं शादी, हम सबसे दूर चले जाते हैं। ये सारा ड्रामा करने के बाद निशाल को पड़ेगी ठंड और वो फौरन से पहुंचेगी ज़ैन के पास और उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी। ज़ैन और निशाल आपस में कर लेंगे शादी और फिर आपको वो सीन देखने को मिलेगा जो सीन आपने देखा टीजर में। यहां पर एक क्वेश्चन है मेरा आप सब लोगों से, हमेशा मैं बोलता आया हूं, आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा और मुझे पता है कि उसका आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है कि वो कौन सी ऐसी लड़की है जो दुल्हन बनने के बाद भी खूबसूरत नहीं दिखती। तो जल्दी से बता दो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सी लड़की है। तो भैया आपको नाम बहुत अच्छे से आइडिया होगा, अगर आपको नहीं आइडिया तो लिटरली आपके लिए फिर तौबा है मेरी तरफ से। तो जब राबेल को मिल जाएगा बदकरदारी का सर्टिफिकेट तो ऐसे में डेफिनेटली वो अपनी उसी दोस्त के पास जाएगी जो दोस्त आपने देखी इस एपिसोड के अंदर। यहां पर उसको सारी बात एक्सप्लेन करेगी तो हो सकता है कि ये दोस्त उसको हेल्प करे इस मामले में कि कहीं पर कमरा लेके कहीं पर अगर उसकी एडजस्टमेंट हो जाए तो वहां पर जाएगी और वहां पर जाके अपनी किस्मत को रोएगी कि उसके साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या। अब यहां पर अगला तमाशा वो ये कि जिसको सुन के आप लोग होंगे हैरान कि उमैर आपने देखा कि इस एपिसोड से वो काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो गया कि उसकी बहन कहां पे जाती है, किससे मिलती है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन और फास्ट हो जाएगी। उमैर को इस बात का पता चल जाएगा कि यहां पे उसकी बहन ने भाग के कर लिया शादी ज़ैन के साथ, तो वो इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो सीधा आएगा
अपने घर वालों के सामने, अपने मां बाप दोनों को सामने खड़ा करके जरा जोर से बोलेगा कुछ इस तरीके से कि आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, आप लोगों की वजह से आज मैं इस जगह पर खड़ा हूं। मेरी शादी आपने रबेल से सिर्फ इसलिए नहीं की कि उससे आपको क्या आखिर मिल जाना था, यहां पर वो थी गरीब माँ बाप की बेटी, उसको आपने बॉय समझो और मेरी मोहब्बत को ठुकरा के आपने उसकी शादी कैसे घटिया इंसान के साथ कर दी कि जो उसका बिल्कुल भी ख्याल ना रख सका। मैंने जो लेटर लिखे थे रबेल जी के लिए, जिनका जवाब आज तक उन्होंने मुझे नहीं दिया, उन्हीं लेटर्स को बेस बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी निशाल ने। वो सारे के सारे लेटर्स उसने दे दिए यहां पर जैन को। जैन ने वो सारे लेटर्स देखने के बाद उसके ऊपर बदकरदारी का इल्जाम लगाकर उसको तलाक दे दी, जिसकी वजह से आज रबेल की जिंदगी आप लोगों की वजह से बर्बाद हो गई। अपने सर से बोझ उतारने के लिए जिस घटिया इंसान के साथ आपने उसकी शादी करवाई थी, आज उसी घटिया इंसान के पास आपकी अपनी बेटी भाग गई है। जी हाँ, उन लोगों ने कर ली शादी, ये रहे उनके नकार नामे, अपनी आंखों से देखेंगे किस तरह से आपकी अपनी ही बेटी ने आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। ये सारी बातें सुनकर उमैर की मां कहेगी कि नहीं बेटा तुम गलत सोच रहे हो। तो उसी टाइम आगे से उमैर कहेगा कि बस मुझे पता है कि आप इस सारे मामलात में खुद भी मिली हुई थी, मुझे पता है कि आप नहीं चाहती थी कि मेरी शादी रबेल के साथ हो, लेकिन जो घड़ा आपने उसके लिए खोदा आज आप खुद उसके अंदर गिर गई हैं और आपकी बेटी एक ऐसे शख्स के साथ भाग गई है जो इंतहाई घटिया इंसान है। अब बैठ के मातम मनाए अपनी इज्जत का, और क्या हो सकता है आप दोनों के लिए, जिस तरह आप लोगों ने मुझे तड़पता हुआ छोड़ा था अब आप खुद उस आग में जलोगे। अब इस सारे सिनेरियो में यह भी हो सकता है कि रबेल किसी कमरे में ना रहे, वो हो सकता है कि डिवोर्स लेके फौरन से आ जाए मामू के घर में, और अगर मामू के घर में वो आई तो ये सारी कंडीशन हो सकता है कि वो किसी दूसरी जगह पर खड़ी होकर सुन रही हो, और जब वो ये सुने तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। जब उसके पैरों से निकलेगी जमीन तो उसे एहसास होगा इस बात का कि यहां पर उमैर का कसूर बिल्कुल भी नहीं था, सारा कसूर था निशाल का, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा होता रहा। और फिर उसको वो सारी सिचुएशन याद आएगी कि जिस टाइम उसकी शादी होने वाली थी तो वहां पर किस तरीके से बार बार निशाल आके पूछती थी कि क्या तुम इस शादी से खुश हो, आर यू श्योर कि तुम एक सही इंसान के साथ शादी करने वाली। तो फिर हो सकता है कि वहां पर आपको फ्लैशबैक में वो सारे सीन दिखाए जाएं। अब रबेल के दिल में उमैर के लिए नफरत तो खत्म हो जाएगी, लेकिन शादी करने की कंडीशन में वो अभी भी नहीं होगी, और यहां पर वो उमैर को ये कहेगी कि मैं चाहती हूं कि तुम कुछ बन जाओ अपनी जिंदगी में, अपने पेरेंट्स का बनो सहारा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वहां दूसरी तरफ जैन की जिंदगी में तमाशे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर ऐसे में जो आपको दिखाई गई निशाल लड़की, ये काफी पोजेसिव लड़की होगी, मतलब उसके ऊपर काफी नजर रखने वाली लड़की, उसकी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने वाली और छोटी छोटी बात का इतना बड़ा इशू बनाएगी जिसकी वजह से जैन आहिस्ता आहिस्ता उससे तंग आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इतना सब कुछ करवाने के बावजूद भी वो रबेल का जिक्र खत्म नहीं करेगी, जिसकी वजह से जैन को गुस्सा आएगा। जैन कब कहां किस लिए जा रहा है बार बार क्वेश्चन करेगी, जिसकी वजह से जैन को अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर जैन के घर से कोई भी शख्स कॉल करेगा, जैन की बहन कॉल कर रही है, जैन की मां कॉल कर रही है, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि वो ऐसे में घर वापस आ जाए, इस बात करते समय भी वो उसके ऊपर काफी ज्यादा करेगी शक कि तुम किससे बात कर रहे थे, काफी ज्यादा इरिटेट हो जाएगा यहां पर जैन उससे, और उसको कहेगा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अब वही बात ना, जो प्यार मोहब्बत की इस तरह की शादियां होती हैं, ये सिर्फ वक्ती चाम रखती हैं, लेकिन जिंदगी साथ में गुजारना थोड़ा सा डिफरेंट काम होता है। यहां पे जैन को इस बात का आइडिया बहुत अच्छे से हो जाएगा कि ये लड़की मेरे बिल्कुल भी काम की नहीं है, मेरी पहली बीवी ज्यादा बेहतर थी। निशाल का आए दिन शक करना और उसके साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ना जैन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, और वो उसको काफी ज्यादा हो सकता है कि आगे से मारते पीटते हुए भी दिखाए। अब मजे की बात यह कि निशाल को जो अब तक बड़ा और बड़ी चलाक लड़की आपको दिखाएगा, ये लड़की तब तक खुद एक साइको बन जाएगी, और उसके साइको बनने की रीजन ये होगी कि जब आपने किसी की जिंदगी उजाड़ के, किसी की जिंदगी बर्बाद करके अपना घर बनाया हो तो आप कभी भी सुकून से नहीं रह सकते। यहां पर फिर उसने जितना जुल्म किया रबेल के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, वो बार बार उसके जहन में आएगा, जिसकी वजह से उसका वो सारा गुस्सा, उसका वो सारा एग्रेशन वो निकालने की कोशिश करेगी जैन पे, जिसकी वजह से जैन उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और दूसरी तरफ उमैर जब रबेल की कंडीशन देखेगा कि यहां पर उसके साथ कितना बुरा हुआ, मतलब उसके पास एक छोटी सी बच्ची और उसका कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं है, उमैर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। और यहां पर फिर उमैर के घर वाले ये सोचेंगे कि हम अपनी एक बेटी को तो जलील कर चुके हैं, एक बेटी को तो हम बागी कर चुके हैं, तो यहां पर हम एटलीस्ट अपने बेटे को बचा सकते हैं। और फिर फाइनली उमैर की मां को इस बात का आइडिया होगा कि ये ऐसे चलने वाला नहीं है, वो जाएगी रबेल के पास और उसके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगेगी, और उसको ये कहेगी कि प्लीज तुम मेरे बेटे की जिंदगी बचा लो, मेरे बेटे के साथ शादी कर लो। अब रबेल तो एक ऐसी लड़की है जो कि आपने सुना है इस एपिसोड के अंदर कि वो एक ऐसी हवा है जो कहीं पर भी समा जाती है,
ऐसा पानी का कतरा है जो कहीं पर भी घुल मिल जाता है। इसी वजह से वो अपनी मुमानी की बात मान लेगी और यहां पर एग्री हो जाएगी उमैर के साथ शादी करने के लिए और उमैर की और राबेल की शादी हो जाएगी। वहां पे ज़ैन बेचारा साइको के साथ रह के साइको बन जाएगा, उसकी जिंदगी हो जाएगी काफी ज्यादा अजाब। काफी डॉक्टर्स को दिखाने के बाद जब उसे पता चलेगा कि इसका इलाज नहीं हो सकता तो निशाल अपने रिग्रेट की वजह से, निशाल अपने फ्लैशबैक्स की वजह से जो बार बार उसके माइंड में आते हैं, एक दिन क्या करेगी कि वो ले लेगी जहर। उसके जहर खाने के बाद ज़ैन उसको पकड़ेगा और उसको लेके आएगा एक ऐसे हॉस्पिटल के अंदर जहां पे उसका सामना होगा सबसे पहले राबेल के साथ, और राबेल को देख के फिर वो वाला गाना चलेगा। ख्वाहिश मेरी आतिश बनी, क्या क्या मगर साजिश बनी, छीने कोई सांस से मेरी, लूटे मेरा चैना, सुना लगे मनवा मेरा, बुझने लगे नैना, जैसे सितारा तकदीर हारा, करता रहा इल्तजा। वहां पर फिर ज़ैन के दिल से ये बात निकलेगी कि कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। आंखों में होंगी उसके आंसू, वहां पर राबेल पकड़ेगी फौरन से निशाल को, उसका करेगी बरवक्त इलाज और उसको वो बड़े अच्छे से बचा लेगी। तो जब निशाल को पता चलेगा कि उसकी जिंदगी बचाई है, उसको मरने से बचाया यहाँ पे राबेल ने, तो वो भी हाथ जोड़ के उससे मांगेगी माफी, अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करेगी वो भी ज़ैन के सामने, और यहां पर फिर एक दफा फिर राबेल जो है उसको माफ कर देगी। ज़ैन भी उससे काफी माफी मांगेगा और उसको कहेगा कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम पे इतने बुरे लगाए इल्जामात, मैं अपने उस सारे बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम चाहो तो मुझे किसी भी किस्म की सजा दे सकती हो। तो उसको भी राबेल माफ कर देगी बहुत अच्छे से, सबके सामने सच आ जाएगा, सबको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि राबेल जो थी वो बिल्कुल इनोसेंट थी, उसके ऊपर काफी किया गया जुल्म। उमैर इस सारे सिनेरियो के बाद अपना प्यार बहुत अच्छे से पाने में कामयाब हो जाएगा। मतलब इससे पहले राबेल के माइंड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी टेंशन्स थी, जब वो दूर हो जाएंगी तो वो राबेल के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेगा और दूसरी तरफ हमारी चुड़ैल के साथ जिंदगी गुजारेंगे ज़ैन मियां। लेकिन नहीं भैया, तब तक वो चुड़ैल नहीं होगी, तब तक वो अच्छी लड़की बन जाएगी, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेगी। और कोई भी बुरा इंसान जब अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, चाहे जिंदगी के किसी भी हिस्से में एक्सेप्ट करे, तो वो बुरा नहीं होता, वो अच्छा हो जाता है, और गलती मान लेने वाला ही सबसे बड़ा इंसान होता है। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो कोई चांद रख के बहुत बड़े फैन है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने का बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।